दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, कल हुई थी राजधानी में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का भी असर। आज है जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी, मॉडल अभिनेत्री गीता बस्रा के साथ बंधेंगे शादी के बंधन में, विराट और युवराज सिंह होंगे शादी में शामिल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, लेकिन दर्शकों को इंतजार होगा कि हम उनको बताएं गुलिकाल और राहुकाल शुक्रवार का। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे राहुकाल शुक्रवार का और साथ ही साथ आचार्य जी आपको बताएंगे गुलिकाल भी शुक्रवार का। बिल्कुल, चलिए नोट कर लीजिएगा, खास तौर पर शुक्रवार का गुलिकाल का समय शुक्रवार सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा, और गुलिकाल जो शुक्रवार का है वह समय है प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सुहाग से संबंधित वो सारे सामान हैं जो आपको धारण करने हैं प्रातः ही, आइए जान लेते हैं। और थोड़ी देर में खुलने वाला किचन पिटारा भी, जब आपके पति का तनाव आप बिना उनके बताए ही दूर कर देंगी आज के खास किचन पिटारे से। सबसे पहले आप वो सामग्रियां जान लें, वो श्रृंगार की सामग्रियां जो आपको कल प्रातः काल धारण कर लेना है। सबसे पहले आपको बिछुआ पहनना है, यह आपके आत्मनियंत्रण के लिए रहता है, आपके मस्तिष्क, वाणी, चाल चलन, चरित्र, हर एक चीज जो आपका पूरा व्यक्तित्व है वो परिष्कृत करता है। यह बिछुआ जरूर पहना करें, अक्सर आजकल देखते हैं फैशन में लोग निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे पर्वों पर, ऐसे समय पर तो जरूर पहनना चाहिए। कांच की चूड़ी नितांत अनिवार्य है, यह बहुत आवश्यक है, यह एक संस्कार है, यह एक श्रृंगार है। प्लास्टिक की चूड़ियां चलती हैं वो तो एक फैशन है। मंगलसूत्र और अन्य श्रृंगार, मंगलसूत्र के अलावा अन्य श्रृंगार भी अवश्य पहनिएगा। मन में प्रसन्नता रखिएगा, श्रृंगार की सामग्रियों पर भी गंगा जल का छिड़काव करिएगा और मन में सदैव उस दौरान आपके पति का ही सम्यक वास अनिवार्य है। किसी अन्य की एंट्री बैन रखिएगा, तभी आपका समर्पण और व्रत पूर्ण होगा। वैसे तो श्रृंगार का बहुत सारा सामान आपने ले ही लिया होगा, पार्लर्स में जाने के लिए भी आप बिल्कुल तरीके से रेडी हो गई होंगी, लेकिन असली श्रृंगार तो सिर्फ पति का प्यार होता है और आपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। पति की उम्र लंबी रखने के लिए ये व्रत किया जाता है। कल की पेशकश के साथ जरूर जुड़िएगा, कल है करवा चौथ और करवा चौथ पे चांद और मेरा पिया, जी हाँ, दोनों एक साथ होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन उपाय होंगे वो जो हम आपको बताएंगे। जरा देखिए झलक कल की पेशकश की। बिल्कुल मत भूलिएगा कल के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, लेकिन बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं लकी अक्षर के बारे में। अब ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, चार जी दे देंगे, लेकिन चलिए जैसे बात कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद मैम, नमस्ते मैम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श गुरु जी, श्री आदि भैया, बहुत आशीर्वाद जी। जी जी गुरु जी, बहुत भाग्यशाली में आपसे मेरी बात हो रही है, हम लोग आपके सारे उपाय और जो है जो भी आप सोने जो बताते हैं सारे जो है हम नोट करके उसका उपाय करते हैं जी। जी गुरु जी, मेरा प्रश्न जो था मेरे बारे में था, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1984। जी बोले आप, समय बताएं। हाँ, समय है सुबह के 6:10 जी, और जन्म का स्थान है जामनगर गुजरात, JAMNGAR जी, जामनगर जी। हाँ। जी
जी गुरु जी, मेरा भी जॉब अभी से छूट गया है मई 2015 से, तो अभी कब तक जॉब लग पाएगा? और अभी मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं रह रहे, तो कब तक वो मेरे साथ रहने लग जाएंगे? और जी जय जी, देखिए जिस प्रकार की स्थिति है आपकी कुंडली की, बहुत संतुलित जन्मांक का आपका, और देखिए बहुत संतुलन के साथ आपने अपनी बात को भी रखा। आनंद आता है जब ऐसे दर्शक जुड़ते हैं बहुत स्पष्ट के साथ, बिल्कुल 5-10 सेकंड में आपने सब बता दिया। मिथुन लग्न लग्नस्थ सूर्य पिता आपके साथ बहुत जल्द रहने लग जाएंगे, निश्चिंत रहिए। आप एक बार उनको रिझा करके मना के लाइएगा। नौकरी भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। बृहस्पति सूर्य में दृष्टिगत संबंध आपके साथ में, घर में बृहस्पति के द्वारा हंस नामक योग लग्नस्थ सूर्य की उपस्थिति, द्वितीय स्था आपके शुक्र और बुध, मजबूत जन्मांक, कोई दोष नहीं, कहीं से कोई कमी नहीं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा दक्षिणावर्त 3 बार हर शनिवार दिन ढलने के बाद, उसके बाद मिट्टी के एक दिए में वहां पर एक दीपक जला दीजिएगा और सात्विक आहार ग्रहण करिए। 2017 के बाद आपका जबरदस्त भाग्योदय हो रहा है, बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़िए, अच्छी कुंडली। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे अनमोल रिश्ते के बारे में, और आज का अनमोल रिश्ता है देवर और ननद का। जी हाँ, आपके छोटे भाई आपकी बहन की कमी को पूरा करते हैं देवर और ननद। आपके ससुराल में अगर इनके साथ रिश्ते आपके मधुर नहीं चल रहे हैं तो अब निराशा की आवश्यकता नहीं है। आपका देवर, आपके ननद जरूर आपको अपनी बड़ी बहन मानते हुए इस रिश्ते को निभाएंगे। जी एक गीत नदिया के प्यार, नदिया के पार पिक्चर का है। जी जी, सांची कहूँ तोरे आवन से हमारी, अंगना में आयल बहार भौजी। जी देवर के ये जो बोल हैं, लक्ष्मी की मूरत ममता की सूरत, लाखों में एक हमार भौजी, ये वाकई हमारी भारतीय संस्कृति की देखिए क्या पराकाष्ठा है, क्या भाव दिया है, और वही रिश्ता आज अमर होगा इस उपाय से। जी हाँ, बस कुछ ही देर का इंतजार है और ये अनमोल रिश्ता आपके सामने आएगा। लेकिन एक और अनमोल चीज है। लगी जी हाँ, ये चीज जिसका इंतजार आप बहुत करते हैं। चलिए अब इंतजार नहीं, ले लीजिए अपना अपना लकी अक्षर। चलिए नोट कर लीजिएगा, दिनांक 29 अक्टूबर 2015 आज का, अब से 24 घंटे आपका साथ देने वाला आपका भाग्यशाली अक्षर मेष, वाक्षर वृषभ डा आपके समक्ष, नोट कर लें। मिथुन राशि, दुनिया में निराला बनाने के लिए दाक्षर, और कर्क वालों के लिए जहां में सबसे प्यारा बनाएगा आपको जाक्षर। सिंह राशि हाक्षर है, और कन्या के लिए रा आपके समक्ष। तुला राशि के लिए संतोष वाला सा, वृश्चिक के लिए वा, धनु राशि नाक्षर है, और मकर के लिए पाक्षर। कुंभ राशि के लिए ला, और मीन के लिए छोटा ऊ, ये मिल गए हैं आपको अपने 24 घंटे साथ निभाने के लिए। हम सफर ही बनाइए इसको और देखिए फिर आनंद ही आनंद। और हाँ, आनंद तो आनंद तब भी आएगा जब आपके देवर और ननद आपके बहुत ही प्यारे बन जाएंगे। जी हाँ, देवर और ननद के साथ रिश्ता आपका अनमोल हो जाएगा। आइए जान लेते हैं ये खास उपाय अनमोल रिश्ते में। महिला की कुंडली में मंगल और शुक्र अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत शुभ स्थिति में है, तो बिल्कुल समर्पित ऐसा देवर मिलेगा कि आप अपने मायके के भाई को भूल जाएंगी और इसको अपने हृदय से लगा लेंगी। ऐसी स्थिति सिर्फ मंगल और शुक्र के कारण होता है, और ननद के लिए शुक्र की स्थिति देखी जाती है। तो आपके जन्मांक में अगर इन दोनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण कुछ नोक झोंक चलता रहता है, और देवर तो उस समय और बुरा हो जाता है जब देवरानी आ जाती है, तो लीजिए एक उपाय हम बताते हैं। क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो और कल की तारीख आपके जीवन की ऐतिहासिक तारीख बने, देवर आपका समर्पित रहे, आपके लिए रहे। एक कोई उपहार ननद और देवर के लिए खरीद लीजिएगा। आज देखिए एक दिन पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, कोई भी उपहार, छोटा सा पेन एक खरीद सकती हैं आप, ननद के लिए कोई हेयर पिन ले सकती हैं, बेहद छोटा, मर्जी आपकी, कोई उसमें दुराव नहीं है। कहीं उस पर कोने में कहीं पर भी दिखे या ना दिखे त्रिंग लिखना है, ता में रा बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, थोड़ा सा इत्र लगा दीजिएगा। पूजन स्थान पे इत्र अलग से रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम इत्र का प्रयोग बताते रहते हैं, और गणपति को अर्पित कर दीजिएगा। दोनों सामग्रियों को आप भगवान श्री गणेश के चरणों में रख दीजिएगा। शोभता देने वाले सिर्फ एक देव, भगवान श्री गणेश। एक घी का दिया समक्ष जलाइएगा, दाहिनी नाक से सांस उस पर छोड़िएगा सूर्य नाड़ी से, जिससे सात्विकता उसके अंदर आती चली जाए। तर्क संगतता के साथ हम आपको बता रहे हैं, कहीं से इस पे कोई क्वेश्चन मार्क लग ही नहीं सकता। इसके बाद देवर और ननद को दाहिने हाथ से प्रदान करिएगा। यह उपाय आज शाम तक या कल पूरे दिन चाहे जब करिएगा।
जो परसों का सूर्योदय रहेगा वह आपको कैसा भी दुराव रहा हो, एक बार फिर से आपकी ननद और आपके देवर आपकी हो जाएंगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। कुछ भी कह देते हैं, आलता होता है, महावर होता है, मेहंदी होती है, लेकिन इसकी शुभता आपके जीवन तक जरूर आती है। करवा चौथ का त्योहार है, मेहंदी तो लगाने आपको जाना होगा, लेकिन बहुत सारे खास उपाय हैं जो मेहंदी से जुड़े होते हैं, आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल बीएच प्लस हेयर कलर। बड़े घने काम पे एक कैसा हरियाणा का सबसे ऊपर नाम, पदक विजेताओं को देती है सरकार इनाम, कॉमनवेल्थ एशियन खेलों में मिले खूब इनाम, खोलती है सरकारी खजाने खिलाड़ियों के नाम। वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति बनाई है, जिसके तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ एशियन खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनामों की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ एशियन खेलों और कॉमनवेल्थ खेलों में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों के इनामों में भी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। लो ये कहाँ गया रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। और बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं किचन पिटारे का। जी हाँ, पति का जो मूड है वो दुरुस्त रखना है आपको, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम किचन पिटारे की ही। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मैंने भी देखा है सपने।
तो अक्सर आप ये महसूस करती हैं कि आपके पति जो है तनाव में रहते हैं और आपके साथ कुछ शेयर भी नहीं करते हैं। भाई शेयर करें तो कुछ, आप भी उनसे वार्तालाप करें, बात करें, मशवरा दें, लेकिन बात ही नहीं करते हैं और ये चीज आप महसूस कर रही हैं। तो पति का तनाव दूर करेगा ये किचन पिटारा। आज क्या निकला है रसोई घर से, आइए जान लेते हैं। वो छुपाते नहीं है, ये उनका प्यार है, महसूस करने वाली बात है। अगर आपके साथ साझा करेंगे तो हो सकता है कि आप उनसे ज्यादा तनावग्रस्त हो जाएं। तो पुरुष की एक आदत होती है कि वो तमाम अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को अपने पास तक रखता है और झेलता चला जाता है उन सारी परेशानियों को। लेकिन आप अगर महसूस कर लेती हैं तो बिना उन्हें बताए उनके मूड को आप प्रसन्न कर सकती हैं। कैसे उपाय करना है देखें। इसके अंदर सामग्री क्या है, शहद हम इसके अंदर आज ले आए हैं, हनी इंग्लिश में जिसे कहते हैं। आपकी रसोई में यह सामग्री सुशोभित होती है लेकिन तमाम प्राकृतिक औषधियों के साथ यह भरपूर है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, आयोडीन सब कुछ इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होता है। लिक्विड होने के कारण चंद्रमा, मिष्ठान होने के कारण, मीठा होने के कारण शुक्र दोनों इसके साथ है और शुक्र चंद्रमा यदि शुभता दे दें तो कभी जीवन में किसी का मूड खराब हो ही नहीं सकता, सदैव प्रसन्नचित ही रहेगा, खुश रहेगा। एक कटोरी में 11 बूंद शहद आपको लेना है, ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा केवड़ा जल डालिएगा जो सुगंधित जल होता है। घी का दिया 7 बार इस सामग्री को आप दिखा दीजिएगा, 7 बार बस सामने रख करके देवी माँ का कोई आरती गा दीजिएगा, दुर्गा माँ का, संतोषी माता का, किसी भी देवी का, शक्ति का। और इसके बाद इस शहद का इस्तेमाल पतिदेव को दे सकती हैं आप किसी भी रूप में, ऐसे ही शहद चाट करके पानी ग्रहण कर सकते हैं। यह उपाय आप जिस दिन भी देखें मूड कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है, तनावग्रस्त लग रहे हैं, तो पूरी तरह से यह उपाय काम करेगा, आजमाइएगा, आनंद आएगा। तो अगर आपने प्रिपरेशन कर लिए, तैयारी कर ली है मेहंदी लगाने जाने के लिए, तो थोड़ा सा रुक के चले जाइएगा। आज दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम पहले देख लीजिएगा और फिर जाइएगा मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये है कपड़ों की दुनिया जहाँ सब कुछ कपड़े से बना है। डिटर्जेंट की धुलाई चाहिए पर धुलाई के बाद ये डलनेस नहीं चाहिए। ताकि उन्हें मिले बेमिसाल खुशबू और नई जैसी चमक। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। मांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल। एमपी में आकर हर कोई मलंग है, महाकाल की पूजा कृष्ण कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह मलंग है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। कम ऑन पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को।
अब नहीं होगा क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब इंतजार खत्म कर देते हैं और आप सभी को बता देते हैं आपका अपना अपना राशिफल। जी मेष वालों के लिए आज प्रॉपर्टी के शुभ संकेत हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ध्यान से चलाएं, गुलाबी रंग की शुभता रहेगी, 59% का भाग्य साथ देगा। वृषभ राशि, लेन देन में बहुत सावधान रहिएगा, नए कार्य सफल होंगे, क्रीम रंग की शुभता है, 67% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि की बारी, कीमती वस्तु संभाल कर रखें, कार्य क्षेत्र से तनाव दूर होगा, सफेद रंग की शुभता रहेगी, 45% का भाग्य साथ देगा। कर्क राशि, आमदनी के साधन बनेंगे, संतान पक्ष से लाभ होगा, लाल रंग की शुभता रहेगी और 70% का भाग्य आपके साथ सामने है। सिंह राशि, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति है, धन लाभ हो रहा है, भूरा रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके सानिध्य में। कन्या राशि, दूसरों की सलाह नहीं लेना है, दिन भागदौड़ भरा रहेगा, नीला रंग शुभ होगा, 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए, प्रियजनों से कुछ मनमुटाव हो सकता है, कार्य स्थान में जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेहरून रंग की शुभता है, 65% का भाग्य आपके साथ है। बढ़ते आगे वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में आज सुधार की गुंजाइश है, यात्रा का योग काला रंग शुभ होगा और 60% का भाग्य है। धन राशि वालों के लिए, आत्मविश्वास आज बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता के संकेत प्रबलता के दिख रहे हैं, सिल्वर कलर आपके लिए शुभ है और 70% का भाग्य आपके साथ है। मकर, संतान पर ध्यान दें, रुके हुए कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ेंगे, जामुनी रंग की शुभता है, 65% का भाग्य साथ दे रहा है। कुंभ राशि, परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, व्यापारिक सफलता के संयोग है, बादामी रंग शुभ होगा, 85% का भाग्य साथ देगा। मीन राशि, व्यवसाय में सावधानी बरतें, नए संपर्क बनेंगे, आसमानी रंग शुभ होगा, 60% का भाग्य साथ है। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हम जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक की हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और कल का दिन करवा चौथ का दिन जब आप व्रत धारण करेंगी, लेकिन आपका आपके जो पति हैं उनके साथ आपके संबंध मधुर रहें, दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो कल सुबह के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। कल सुबह 8 बजे आचार्य जी के साथ ही होगी आपकी मुलाकात, लेकिन बहुत ही खास उपाय होंगे, देखना मत भूलिएगा हमारी कल की खास पेशकश करवा चौथ पर चांद और मेरा पिया। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, यार अभी हम ले रहे हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कि बिहारियों के DNA का अध्ययन ठीक से नहीं है, इनको अब भी लोकतंत्र के इस DNA को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा DNA।
राजनेताओं का अहंकार इतना सातवें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेवन आरसीआर तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी ना खुलने वाला रहस्य। सबसे आगे सतीश के सिंह, ओम थानवी और नीलाभ मिश्रा के साथ बिहार करेगा अपने कल का सही चुनाव। बिहार चुनाव 2015 सिर्फ लाइव इंडिया पर। कुख्यात आतंकी लश्कर ए तैयबा कमांडर अबू कासिम को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। बुधवार देर रात 2 बजे घाटी के कुलगांव इलाके में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में कासिम मारा गया। उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है। कासिम उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड था। सुरक्षा बलों को कासिम के कुलगांव के खांडीपुरा इलाके में होने की खबर मिली। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। कासिम एक वांटेड आतंकी था। कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमले की साजिश का उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था। इस हमले के दौरान पाकिस्तान तंगी आतंकी नावेद पकड़ा गया था। उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस और एनआईए ने कश्मीर से कई लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत सरकार भारत लाने की तैयारी कर रही है। हो सकता है कि जल्द ही छोटा राजन को भारत लाया जाए। सूत्रों का कहना है कि छोटा राजन भारत नहीं आना चाहता है, बल्कि उसे जिम्बाब्वे जाना है। साथ ही उसके वकील ने मांग की है कि छोटा राजन की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि छोटा राजन ने दाऊद से बचने के लिए खुद अपनी गिरफ्तारी करवाई है।